अच्छा मुझे किसी घर का पानी तो निकाल के दिखाएं। हाँ जी दिखाते हैं। ये आपके यहाँ पे सीवरेज के निजाम भी नहीं है? ये सर ऐसा हुआ कि ये आए थे ठेकेदार, उन्होंने आधी गली में सीवरेज डाल दिया, आधी वैसे ही छोड़ गई। क्यों, आधी से दुश्मनी थी? वो कहते जी कि हमारा बजट खत्म हो गया है, हमारे पे पैसे नहीं है। हालांकि मुझे ये पता लगा था कि 5 करोड़ रुपया इस आबादी के लिए आया था सीवरेज का निजाम, सीवरेज का निजाम और गलियां बनाने का। और आप तो कह रहे हैं कि सीवरेज का निजाम आपके क्योंकि घरों के जो पानी के साथ मिक्स हो चुका है, पाइपें मिक्स हो गई है, ये नवा, ये यहाँ तक नवा डाल गए ना यहाँ तक, तो आगे जो है ना छोड़ गए हैं। 5 करोड़ रुपया इन्होंने, कसम वाली बात है, इन्होंने कहा खुद कि मलिक शौकत ने खुद कहा कि 5 करोड़ रुपया आया है। उसके बाद नहीं आगे, हाँ जी चेयरमैन, उसके बाद कोई हफ्ते दो हफ्ते के बाद पता करा 3 करोड़ रह गया। वो 2 करोड़ किधर गया? इतनी छोटी सी गली में 3 करोड़ रुपया लग गया? नहीं, ये आबादी का, पूरी आबादी के लिए आया था, लेकिन ये 50-60 हजार रुपया एक गली में भी नहीं लगा। और ये एक मस्जिद वाली गली बनी है, एक उस अगली गली बनी है, और बाकी सब छोड़ गए। और सीवरेज का प्राइवेट बंदों को दिए गए हैं। ये मोटर चलाइए, इस तरह का पानी आता है? ये मोटर चलाने के बाद पानी आ रहा है, सरकारी पानी है ये, सरकारी पानी है। नाज़रीन, आप अब देख सकते हैं कि ये घर के अंदर से भी मैंने पानी मंगवाया है कि आप यहाँ पे चेक किया जा सके, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट तो हम दिखा रहे हैं बंद है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद है उससे ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि क्योंकि घरों में गंदा पानी आ रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट इसलिए लगाए गए थे ताकि ये मासूम बच्चे जो मेरे अतराफ में खड़े हैं, ये लोग, ये पानी साफ इनको मुहैया किया जाए। ये अभी पानी ये घर से निकाल के देख रहा है, ये गंदा पानी है, तमाम तर पानी जो है ये गंदा है, ये पीने के काबिल नहीं है पानी, ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है पानी, ये वो पानी है जो इनके घरों में आ रहा है, ये घरों में पानी आ रहा है। और ये छोटे बच्चे मेरे अतराफ में आप देखेंगे, तमाम लोग ये गंदा पानी पीने के पर मजबूर है। गंदा पानी आता है घर पे? हाँ जी। क्या पीती हो बेटा? फिल्टर का पानी। वो कहाँ से आता है? वो ताजपुर से लेकर आता है। दूर से? हाँ जी। कौन लेकर आता है? अबू लेकर आते हैं। जी हम लेके आते हैं। आप भी लेकर आते हो? किस तरह लेकर आते हो? भाई के साथ साइकिल पे। साइकिल पे जाते हो? कितनी देर लगती है? आधा घंटा। सुबह कितने बजे जाते हो? सुबह फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज के बाद स्कूल जाते हो? जी। पहले पानी लेकर आते हो फिर स्कूल जाते हो? जी। जी। आप स्कूल जाते हो? नहीं, नहीं जाते। तुम स्कूल जाते हो? जी। तुम भी पानी लेकर आते हो? जी, अपने मामू के साथ जाता हूँ। अपने मामू के साथ जाता हूँ सुबह पानी लेने। जी। फिर पानी लेकर आते हो? जी। फिर नहाते हो? जी। फिर स्कूल जाते हो? सर्दियों में बच्चे पहले स्कूल के लिए जाने के लिए पानी लेकर आते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर नहाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये बच्चे पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका ये कसूर ये है कि क्या ये यहाँ पे पैदा हुए हैं? इनको डबल मशक्कत करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ऐसा निज़ाम बनाया गया है हमारी सरकारों की जगह से? तमाम सियासी जमातें, हम किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करें, क्योंकि तमाम हुकूमतें, तमाम सियासी जमातें वो ये वादा कर कर आती हैं इक्तदार में कि हम आम आदमी का मसला हल करेंगे। फलाही रियासत के नारे सुन सुन के मैं तो बचपन से सुनता अभी तक थक चुका हूँ, और ये लोग जो इनका बचपन है ये भी उसी नारे से इनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, और उसी नारे तक शायद ये ज़िंदगी चलती जाएगी इनकी कि फलाही रियासत पाकिस्तान बनेगा। फलाही रियासत कब बनेगा? फलाही रियासत तब बनता है जब स्टेट अपने शहरियों को ओन करती है, और स्टेट अगर अपने शहरियों को ओन करती होती तो इन बच्चों को सुबह उठ के पानी के लिए बाहर दर दर ठोकरें ना खाना पड़ती, इन बच्चों को बोतलें उठा के बाहर सड़कों पर ना जाना पड़ता, इन बच्चों को दूर दराज 2-2 किलोमीटर का फासला तय करके सुबह इसलिए पानी ना चाहिए होता था कि वो सुबह पानी लेकर आए, उसके बाद वो तैयार होकर स्कूल जा सके, तालीम हासिल कर सके। शायद जब वो वापस आते होंगे, वापस आने के बाद भी वो पानी लेने जाते होंगे, पहले आके तैयार होते होंगे, नहाते होंगे, अपने आप को साफ करते होंगे, और उसके बाद जाते होंगे। घर में पीने का साफ पानी इनके नहीं आ रहा। अम्मा जी घर में पानी साफ आता है? नहीं, कोई साफ पानी नहीं है, ना तो यहाँ गटर सिस्टम सही है। आपके सामने ही है जो गंदा पानी बाहर आ रहा है ना, हम तो इतने परेशान हुए पड़े इस हुकूमत से, अगली हुकूमत से परेशान है, इस हुकूमत से अभी कोई नहीं, क्योंकि इनके तो अभी 100 दिन भी नहीं मुकम्मल हुए। 100 दिन में आए हैं आपके पास? 100 दिन में आए तो नहीं है, मगर उन्होंने तो आना चाहिए था ना? आएंगे, मगर अभी तो नहीं ना आ जाएंगे इतनी जल्दी, तो घर के सिस्टम नहीं सही चलते तो गलियों के कैसे चल पड़ेंगे। आप यही सोचे ना, क्योंकि अब आप यही हिसाब लगा लें कि हमारे जो से नून लीग नहीं, आप ये समझ रही है कि 100 दिन में, क्योंकि उनके 100 दिन हो चुके हैं, हाँ, तो 100 दिन में आपके इलाके में आए नहीं है, आए उनको इस चीज का पता नहीं है। नहीं, 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 नह
जब से हुकूमत में आया तब से नहीं आया, जब से नहीं आया तो क्या फायदा हुआ पहले आने नहीं, का फायदा तो होगा। यानी अलीम खान अगर इस इलाके में पहले आए हैं तो उनको पता है इस इलाके की हालत का? नहीं, जो जीता है वो नहीं ना आया। नहीं, अलीम खान को इस इलाके की हालत का पता है? पता ही है, वो पहले सर्वे करके गए थे, यहाँ आए थे, आप लोगों से मुलाकात करके गए? हमारे से तो नहीं, वैसे वो मेन पे सबके से करके गए, सबसे मुलाकात। हाँ जी, सबसे लोगों ने बताया होगा की हमारे इलाके में ये मसला है। हाँ जी, उन्होंने ये कहा होगा की अगर आप हमें वोट दें, हमारी हुकूमत बनाए जी, तो मसला हल करेंगे। हाँ जी, मगर पे हल करेंगे। हाँ जी, मगर इधर के लोगों ने, हाँ जी, इधर के लोगों ने नहीं दिया वोट, तो बनी ना हुकूमत तो बनी। अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो काम नहीं करेंगे? तो काम उनका काम है ना, अब करें ना, उनकी जिम्मेदारी है ना इधर की। किसको वोट दिया था? हमने पीटीआई को दिया हुआ है। आपने वोट दिया था? हाँ जी। आपके वोट की कीमत है? नहीं, हमने कहा हुआ है, वो है हमारे इधर के ना, पहले बने थे इधर मेंबर, तो वो बाबर है, उनको हमने कहा हुआ, तो वो कहते हैं हमारी ना मंजूरी हुई पड़ी, आप तो और परेशान हो जाए। हमें इसी परेशानी में ना अपना मकान भी सेल करने में लगाया हुआ। सेल करने में लगा दिया आपने? कि भी ये गंदगी इतनी है कि भी बच्चों को मच्छर काटता है, कभी किसी का के घर से डेंगू निकल आता है, कभी कुछ आता है, हमें तो कोई ना समझ नहीं आता। और आप भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है? सुनता कोई भी नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग यहाँ पे मजबूर हो गए कि अपना घर बेच के किसी और इलाके में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा कि अब्दुल अलीम खान साहब सीनियर वजीर हैं, बल्दियात के वजीर हैं, ये जो प्लांट लगाया गया ये बल्दियात ने लगाया, बल्दियात की जिम्मेदारी थी इस प्लांट को चलाना। तो वो 100 रोज़ कबल जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जब यहाँ से आवाम से वोट लेने के लिए आ रहे थे अपनी जमात के लिए भी, तो वो यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिलकर गए हैं। इसका मतलब लोगों ने उनको आगाह किया है कि ये हमारे इलाके का मसला है। तो ये नए पाकिस्तान का नया शहर लाहौर है, कप्तान का सेहतमंद शहर लाहौर है, ये यहाँ का मसला हल करने के लिए जब से वो हुकूमत में आए हैं वो यहाँ पे आए नहीं है। उनके दीगर वज़रा भी कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं। हम लाहौर के जितने इलाकों में चले जाएँ, हम आपको इलाके मुसलसल दिखा रहे हैं और इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनके फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चल रहे, उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। वासा को कोई ज़िम्मेदार ठहराता है, कोई लोकल गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराता है, कोई जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको ज़िम्मेदार ठहराता है, क्योंकि इन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी थी मिलकर कि लाहौर शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं वो काम करें। 550 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं और जो 2015 में 309 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे उन पर 986 मिलियन की लागत आई है। तो यानी अगर 550 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी कीमत अरबों रुपये में पहुँच चुकी है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके घर में गंदा पानी आ रहा है? जी, गंदा पानी आ रहा है। तो सर गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा फिल्टर वाला पानी लाकर गुजारा करते हैं। आपका तो फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं चल रहा? वो शफाक चौक से लेकर आते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर है, और जोड़े पुल के उल्टी साइड पे या इधर जाते हैं स्कीम में, इधर स्टॉप पे उधर से लेकर आते हैं। वो कितनी दूर है? वो भी 1.5-2 किलोमीटर है। मतलब आप दो इधर जाते 2 किलोमीटर, उधर जाते 3 किलोमीटर, आपको आधा घंटा लग जाता होगा पानी लाने के लिए। पानी जो आता है वजू करने के लिए पानी, वो भी साफ नहीं आता, तो बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा। ये गलियों का हाल देखे ना, ये बारिश होती है तो पानी घरों में चला जाता है। तो सर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार गवर्नमेंट जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार? माजी की हुकूमतें और नई हुकूमत, किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो किसी की भी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी भी नहीं, उम्मीद छोड़ दी। तो जो MLA है वो भी इधर आते हैं, MP भी इधर आए हैं, लेकिन इतना पानी था जब वो आए हैं इलेक्ट्रो में, गोडे गोडे पानी इलेक्ट्रो में, हाँ पानी खड़ा था और पानी में गाड़ी लेकर आया वो, और वादा करके गया कि मसला हल कराऊंगा। सादिक साहब, सुलेमान तसीर वगैरह आया, सलमान रफीक, सब करके गए, लेकिन कोई नहीं। अलीम खान आया इधर, वो भी करके गया सब कुछ। तो अलीम खान तो वजीर है, वजीर है, लेकिन अभी कहता का वजीर गए हैं उसके पास लेकर, कहता अभी 100 दिन पूरे होने दो, 100 दिन हो गए पूरे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे, हो गए पूरे काम करते, उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद काम करेंगे। आप गए थे उनके पास? हाँ, भी दी है, पूरे मोहल्ले की दरखास्त साइन करके दी है उनको। अच्छा, पानी गंदा आ रहा है। कितने लोगों ने साइन किया होगा? मैं 10-15-20 आदमी, जो हमारा इधर कैंडिडेट बना हुआ ना राणा बाबर जी, हाँ वो उनके साथ उसका है सारा। अच्छा, साथ पीटीए उसके थ्रू आप गए अलीम खान के पास? हाँ, बिल्कुल। आपने मुलाकात की, उन्हें बताया कि हमारे इलाके इलाके पानी देखो, खुद देख कर गया था सब कुछ, 2-3 दफा इधर आया देख कर गया, लेकिन कोई भी हल अभी तक नहीं, कोई बात नहीं, देखो पानी खड़ा है। और आपको पानी, और आपको उम्मीद भी नहीं है? नहीं, आप पीटीए के कारकुन है? कारकुन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्टर रहे हैं। तो फिर तो अलीम खान साहब से आपको खसूसी दरख्वास्त करानी चाहिए थी। करानी चाहिए, लेकिन नहीं ना करते, क्या नहीं सुन रहे? वादे तो करते हैं, नहीं सुन रहे, वादे तो करके गए हैं, सबके साथ वादे करके गए हैं कि सीवरेज नवा डालेंगे, सीवरेज सही नहीं डाला हुआ। मस्जिद में बैठ के वो ख्वाजा सुलेमान रफीक आया था, वो मस्जिद में बैठ के वाजा करके गया, ये आयशा मस्जिद में बैठा था, उन्होंने कहा इंशाल्लाह साफ कर दिया, वो भी MP बने। तो माजी में कुछ नहीं कहता, अब तो अपोजिशन ने अपोजिशन में रहकर क्या करें। खान साहब, अलीम खान साहब से हमारी दरख्वास्त होगी, आपका नाम क्या है? आसिफ खान। आसिफ खान साहब हमारे साथ ये मौजूद है और ये आपके सपोर्टर हैं,
ये पीटीआई के कारकुन है, पीटीआई के सपोर्टर हैं, इन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया है। अगर ये आपके पास दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं, दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं कि इनका मसला हल करें, तो इनका मसला हल करना चाहिए। सर ये लोग कह रहे हैं कि आपने कहा 100 रोज गुजर जाए, 100 रोज गुजर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वसासत से आला काम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेरा मेहरबानी शर्म करें। ये जो हमारा इलाका है, 2 माह सब्र कर लिया, 3 माह सब्र कर लिया, यहाँ पे ये नून लीग वालों ने ये हल किया कि वो कहते हैं जी वो नून लीग वाले हैं, ये पीटीआई वाले हैं, इकबाल पार्टी वाले हैं, ये हाल है। वो सड़क देख लें, वो गली देख लें, और ये हमारे ये कौन सा इंडिया पाकिस्तान है? ये इंडिया पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने ना, इन बेशर्मों ने बना दिया है कि आधी गली छोड़ दी, आधी बना दी है, इसके पैसे जेब में डाली है, वहाँ पे आधी बना ले, उसके पैसे खा लिए। जो आपका ये इलाका, ये पीटीआई का है, वो इलाका नून लीग का है, जहाँ तक सड़क बंद की शर्म। हम कहते हैं कि हमने किसी के भी वोट नहीं दिए, बैनर लिखाए थे हमने कि भाई वोट उसे देंगे जो ये बना के देगा। तो वादा किसने किया था? वादा सुहेल भट्ट साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, जो भी आया है बेशर्मों की तरह, नून पीटीआई वाले भी आए हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमें आने दो, हमें इख्तदार में नहीं है। दरख्वास्त भी दी है मैंने, अब हम चीफ जस्टिस और आला हकाम से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी। अच्छा, किसको दरख्वास्त दी वाली साहब आपने? सबको दरख्वास्तें दी हैं, हाई कोर्ट में भी दी हैं, सबको। वो जो हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम है इनका, इनको भी दी है, लेकिन फायदा किया है? इस तरह भाई आपके आते हैं, फोटो उतारी, उसके बाद हमें रिजल्ट चाहिए, देता ही कोई नहीं। हम तो आपकी कंप्लेन पर आते हैं, बड़ी मेहरबानी के लिए आते हैं। ना तो मैं इस इलाके में रहता हूँ मौलवी साहब, ना मैंने इस इलाके में शायद दोबारा आना है। मैं तो इस इलाके में आप लोग को अपना भाई समझता हूँ, पाकिस्तानी समझता हूँ, अपना लाहौर का शहरी समझता हूँ। ये करने के लिए आ रहा हूँ, उनको ये दिखाने चाह रहा हूँ, जो शायद अपने बड़े घरों से मोहल्लों से बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ वोट लेने की खातिर अपने बूट गंदे कर लेते, शलवारें गंदी कर लेते, उसके बाद इकदार में आके नहीं करते। सियासत की नज़र किया गया है, खैर इस उसके बाद जरा आगे आए, ग्राउंड देखे, वहाँ पे चर्सी, बंगी, पोडरी, शराबी पहाड़ बना के उन्होंने रख दिए हैं। धोखा दिया हमें गवर्नमेंट ने कि जी आपको 20 कनाल में कब्रिस्तान देंगे, 8 कनाल में देंगे, वो भी नहीं। अभी इतना पूरा इलाके हजारों की आबादी है, कब्रिस्तान हमारे पास नहीं है। इमरान खान साहब को हमने वोट दिए तब्दीली के नाम पर, फिलहाल तो हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, दुआएं भी की हैं उन लोगों ने। तो मौलवी साहब, नए पाकिस्तान का नया शहर लाहौर भी ऐसा ही है जैसा पुराने पाकिस्तान का शहर लाहौर था? आप दिखाएं ना इन बेशर्मों को, दिखाएं अलीम खान को भी, दिखाएं और को भी दिखाएं। दिखाना आपका काम है, बोलना हमारा काम है। हम ऐसे जलील हो रहे हैं कि जिसका हिसाब सर, हम तो आपका काम भी कर रहे हैं मौलवी साहब, हम बोल भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही। हम किसको सुनवाई करें, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। किसी का पानी पी लो आप, पियोगे नहीं? मैंने दिखाया पानी, हमारे तरह इंसान हो, लेकिन आप नहीं पियोगे क्या? हम इंसान नहीं है, इनका हक नहीं है, हम मुसलमान नहीं है? आप भी इंसान है, आप भी मुसलमान है, आप भी उतने ही इस मुल्क के शहरी हैं जितना वजीर आजम पाकिस्तान शहरी है, आप भी उतने ही इस मुल्क के शहरी हैं जितना वजीर अल्लाह पंजाब शहरी है। तो ये सूरत हाल मौलवी साहब हम दिखा रहे हैं और कोशिश यही करेंगे उनको बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, बराए मेहरबानी अगर आपने ये फिल्म बनाई है तो टीवी पर जरूर चलाएं यार। टीवी पर चल रही है ये टीवी पे चल रही है, हम इसलिए आते हैं, ग्राउंड दिखाएं। यहाँ आते हैं लोग हमारा मजाक उड़ा के और वहाँ जाते हैं, अगर जिसके खिलाफ। आपका नाम क्या है? दीन मोहम्मद। मेरा नाम दीन मोहम्मद। भाई हम ना तो मजाक उड़ाने वालों में से हैं और ना हम यहाँ से बगैर इस तरह जाने वालों में से हैं। हम आपका मसला उजागर करने वालों में से हैं, आपकी आवाज बनने वालों से, और वही हम आपका मसला दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा एक घर 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 वालों से बात कर सको। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। घर पानी साफ आ रहा है? नहीं, गंदा आता है पानी। गंदा पानी आ रहा है? आपका फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं चलता? नहीं। तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? बस दूर से ले आते हैं पानी, और कहाँ से लाते हैं, सुबह चले शाम को चले जाए, जब टाइम लगता है पानी भी आते हैं। तो कितना गंदा पानी आता है? सारा नीरा टैंकी खोल के देख ले आप, टैंकी में कैसे थोड़े दिन साफ करवाए फिर गंदा पानी आ जाता है। उनको कितनी दफा रिपोर्ट भी की है, वो कहते हैं ठीक है जी अब पानी साफ आ जाएगा, फिर पानी थोड़े दिन साफ। किसको कंप्लेन करते हैं आप? ये जहाँ से बिल आता है बिजली का, वासा से आता है? आपको कंप्लेन की है आपने? हाँ जी, बहुत दफा की है। कोई नहीं आया चेक करने के लिए? नहीं, चेक करने कोई नहीं आता, बस ये टैंकी वाले आते हैं जी, ठीक है जी पानी। टैंकी तो नहीं उन्होंने खोल के देखी, ये पैप तो नहीं देखे, पता नहीं कितने पुराने पैप हैं, जो गंदा पानी है।
काला चरकान किसे होता है, यही होता ना पानी पी पी के, यहाँ से ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका नाजीन, ये सूरतेहाल आपके सामने है। यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये वो कंप्लेंस भी करते हैं, वासा के बिल उनको मौसूल होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं यहाँ पे ताकि उनकी कंप्लेन का हल हो। जो एस्टिमेटेड टाइम देता है वासा, वो कहता है 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचेगा, वो जाकर चेक करेगा हमारा कंप्लेन सेल है, हमारा मैकेनिज्म है। मोबाइल फ़ोन पे MD से लेकर नीचे क्लर्क तक तमाम लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कौन से इलाके की कंप्लेन सबसे ज़्यादा है। ये सूरतेहाल आपके सामने, ये इलाके के लोग कह रहे हैं कि वो कंप्लेन करते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर कोई शख्स चेक करने नहीं आता तो कितनी बड़ी गलतफहमी है। बट साहब ये आप तो यहाँ से खबरें भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ये लोग कह रहे हैं हम कंप्लेन करते हैं, बादशाह का कोई बंदा आया नहीं चेक करने के लिए? यहाँ पे काफ़ी मौत हो चुकी है बच्चों की गटर ना होने की वजह से, लेकिन जब भी बादशाह के पास जाती हैं बादशाह का SPO अंदर बैठा है, इनको शर्म नहीं आ रही, शर्म बिल्कुल नहीं है, बेशर्म हो चुकी हैं। जब हम जाते हैं उनको बात करने के लिए तो वो अंदर में बैठे होते हैं, क्लर्क कहते हैं कि वास्ता SPO नहीं अंदर नहीं है, हालांकि SPO साहब अंदर बैठे होते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि ये मीटिंग में गए हुए हैं। यानी SPO मुलाकात करना भी पसंद नहीं करता, मुलाकात करना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पे XNN अब नसार साहब वो भी बात सुनने तक तैयार नहीं है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अमला आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ लोगों ने कंप्लेंट्स की है, वैसे बहुत ज्यादा कंप्लेन है, यहाँ पे आप अपने शहरियों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गटरों का ढक्कन ना होने की वजह से मौत हो चुकी है। गाजियाबाद सब डिवीजन है, हम 50 दफा गए हैं, वो SPO मिलता ही नहीं है हमें। हाँ जी नहीं मिलता, नहीं मिलता, 10-10, 20-20 लोग गए हम इकट्ठे हो गए और हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। लिबर्टी मार्केट के पास है, मेन मार्केट के पास है, वहाँ भी गए हैं, दरवाजा भी नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी, हमें ये गंदा पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोगों को चाहिए जो बादशाह के अहदेदारान हैं, MD वासा हैं, वाइस चेयरमैन वासा हैं, वो तो सियासी आदमी, उनको ख्याल करना चाहिए, इन लोगों का MD वासा को ख्याल करना चाहिए, नीचे जो अमला है उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि यहाँ की सूरत हाल आपके सामने। इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं, ये हमारे साथ एहतजाज कर रहे हैं, इल्तजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अलीम खान से जो कि बल्दियात के वज़ीर है, कि इनका मसला हल कराएं। ये लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, इनके भी उतने हकूक हैं जिनके आपके और मेरे हकूक हैं। गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है इधर, बदबू वाला पानी, बदबू वाला पानी। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? फिल्टर से लाते हैं बच्चे, फिल्टर तो चल ही नहीं रहा आपका, दूरों से आके ले आंदे ने, इत्थे तक पानी लग गया, लगे लाते बड़े जगह के इधर आके, तो गुजारा कैसे हो रहा है? गंदगी की वजह से मच्छर बहुत है इधर, कोई नहीं सुन रहा, घर छोड़ के नहीं जाया जा सकता। ये बात अम्मा जी की बिल्कुल सही है कि घर छोड़ के नहीं जाया जा सकता, वो मजबूर है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाएं, वहाँ से पानी भरें और पानी भरने के बाद यहाँ पर आए, उसको इस्तेमाल कर सके। फिल्ट्रेशन प्लांट इसीलिए लगाए गए थे, मैं बार बार फिल्ट्रेशन प्लांट का जिक्र कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के घर के साथ जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो ट्यूबवेल है वो नहीं काम कर रहा, मुख्तलिफ इलाके हमने आपको दिखाए हैं वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स काम नहीं कर रहे, वहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं। ये ताजपुरा का इलाका है, यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इनके घरों में गंदा पानी, और गंदा पानी हम आपको दिखा रहे हैं, उनका फिल्ट्रेशन प्लांट भी हम आपको दिखा चुके हैं। हमारी भी इल्तजा है सरकार से के बगैर उनका मसला हल करें, हमारी इल्तजा है। हम प्रोग्राम बिना माजरत की टीम इस चीज़ के लिए फोकस कर रही है कि जो जिस इलाके में लोगों को मसाइल हैं, हम इनकी कंप्लेन ही हमें करते हैं, हम उस इलाके में पहुँचें ताकि सरकार को दिखा सके, अपने मोहल्लात में बैठे, अपने सरकारी दफातर में बैठ के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इन इलाकों के दरमियान में जिस तरह आप इलेक्शन कैंपेन के वक्त बाहर निकलते हैं, इनको वादा करके जाते, इनको वादा करके जाते हैं कि ये अपना मसला हल करेंगे। ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट चंद फुट के फासले पे, चंद कदमों पे है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट अगर चल रहा होता तो यहाँ से लोग पानी भरते, उनका वक्त भी बचता और उनका मसला भी शायद उस तरीके से इतना ज़्यादा ना बढ़ता, क्योंकि इसको हल करने की तरफ चलना चाहिए था। ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो चंद कदमों के फासले पर, अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा होता तो शायद आवाम का उस तरह मसला ना होता। वहाँ घर में गंदा पानी आ रहा है तो ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बेहतर ये होता कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा था तो उनको 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाके अपना घंटा आधा घंटा वेस्ट ना करना पड़ता, क्योंकि वक्त एक बहुत बड़ी कीमत जो अदा कर रहे हैं ये लोग, घंटों लाइनों में लगते हैं जाके, सफ़र करके जाते हैं, वहाँ से पानी भर कर आते हैं। हमारी इल्तजा है सरकार से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो ये वादा करती है, वो ये वादा करके इकतदार में आई, वो इस चीज़ को मानती है, इस चीज़ का नारा लगाती है कि हम इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाएंगे। तो मदीना की रियासत वो होगी जहाँ हर शहरी उतना ही पाकिस्तानी होगा जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके वज़ीर आला पंजाब से लेके कोई भी वज़ीर, कोई भी मुशीर और कोई भी आम पाकिस्तानी, ये तमाम पाकिस्तानी हैं, ये तमाम लाहौर के शहरी हैं, इनके हकूक भी उतने हैं जितने किसी वज़ीर के हैं, कितने मुशीर के हैं। इन लोगों का दावा है, इन लोगों का नारा है, ये उम्मीद कर रहे हैं जो आप नारे दावे वादे लगा कर आते हैं इकतदार में वो बातें पूरे किया जाए, इनको साफ़ पानी मुहैया किया जाए, इनके मसाइल हल कर दिए जाए, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं। आज के प्रोग्राम से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा, अपना फीडबैक हमें भेजना मत भूलिएगा, आप अपना मसला हमारी टीम तक भेज सकते हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि आपके मसले को हम हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, उनके दरवाजे की दस्तक दें और उनको बताएँ कि वो जो वादा करके वोट लेकर इकतदार में आए थे वो मसला हल भी करना है। प्रोग्राम से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के मान।